अच्छी शुरुआत रही जी से पहला ही पॉइंट में। क्या लगातार लक्ष्य सेन अपने प्रतिद्वंदी को डिस्प्लेस कर पाएंगे, आउट ऑफ पोजीशन ला पाएंगे, तब शायद जाकर इन स्मैशेस को डिस्टर्ब कर पाएंगे वो। जी हाँ, यहाँ पे जरूरत होगा लक्ष्य को जी का पेस कम करवाने में। चैलेंज किया है अंग सी योंग ने, बहुत क्विक था समझने में। और हल्की सी अंदर थी, क्या आपने देखा मनीष, बहुत ही मिलीमीटर का सवाल था इसमें। जी बिल्कुल, आज कांटे की टक्कर पूरी पूरी संभावना। शॉट सिलेक्शन आज अहम साबित होगा, वो शुरुआती लम्हों में वो वादा कर रहे हैं लक्ष्य सेन कि भले ही एक आध पॉइंट लगे वो रिदम हासिल करने में, लेकिन इस तरह का शॉट सिलेक्शन वो करने वाले हैं। वो विविधता, वो वैरायटी दिखेगी आज इनके खेल में। अच्छा जजमेंट, लक्ष्य अभी अपने लय में दिख रहे हैं। रिदम पाना एक बात, उस रिदम को बनाए रखना दूसरी बात, और आप दोनों करना चाहते हैं रिदम। जी बिल्कुल, लक्ष्य की भी दाद देनी होगी। अच्छा डिफेंस किया, अच्छी तरीके से शटल के नीचे आए थे लक्ष्य सेन, लेकिन एंगल भी अच्छा था, चूक गए वहां पे। जे योंग ने सेमीफाइनल में भारत के किदांबी श्रीकांत को बाहर किया था। लक्ष्य सेन हिसाब बराबर करना चाहेंगे, और लक्ष्य है उनका जीवन का दूसरा बड़ा इंडिविजुअल मेडल जीतना विश्व मंच पर। बेहतरीन एंगल से खेल रहे हैं, इस तरीके डेथ उनको मिल रही है जी योंग। जी हाँ, और अंदर था वो टॉस, जी योंग ने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये हुई ना बात, सफाई से किया गया, ये हुई ना, इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे इस पहले गेम को।
जी हाँ, बहुत ही नज़दीक लाइन पे, ऑलमोस्ट लाइन पे ही था वो, बहुत ही अक्यूट स्ट्रोक एंगल। लक्ष्य सेन का पूरा परिवार बैडमिंटन के इस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। उनके पिता डी के सेन एक कोच रहे हैं, उनके भाई चिराग सेन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेल चुके हैं। ऑन द लाइन, जी नहीं, हल्का सा बाहर ये शॉट, इरादा बिल्कुल सही था तृप्ति जी, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य ने चैलेंज किया है, मुझे भी यहाँ से अंदर लग रही थी शटल, देखते हैं हॉकाई का क्या कहना है। हल्का सा बाहर, खारिज कर दिया गया उस चैलेंज को। याद करें 2016 का वो साल जब कामयाबी लक्ष्य सेन के कदम चूम रही थी जूनियर सर्किट पर। डटे रहे वहां पे लक्ष्य, लेकिन जिस रणनीति का यू इस्तेमाल कर रहे थे जी योंग, लक्ष्य को कोर्ट के चारों कॉर्नर्स पे खिला रहे थे, छोड़ा नहीं लेकिन लक्ष्य ने। तैयारी है हर शटल तक पहुंचने की 24-22, 21-17। मनीष, अगर हम कहेंगे जी योंग के बारे में इस खास तौर के इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 9 और वर्ल्ड नंबर 11 को हराया है। इस बीच का फर्क आ रहा है, शॉट सही चुन रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी गड़बड़ी, तृप्ति महंगी साबित हो रही है अब तक, 3 पॉइंट की लीड अब। जी हाँ, लेकिन इस पर्टिकुलर रैली में उन्होंने हल्का सा पेस कम कर दिया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई जोर वाले या स्मैशेस वाले स्ट्रोक्स आपने देखे नहीं। याद करें उस मुकाबले को जब जर्मन ओपन में लक्ष्य सेन ने विश्व नंबर 1 विक्टर एक्सेलसन को हराया था सेमीफाइनल्स में। अब एरर सामने से, लीड अब 2 पॉइंट की। ऑल इंग्लैंड ओपन में लक्ष्य सेन ने विश्व नंबर 3 एंडर्स एंटनसन और विश्व नंबर 7 ली ज़ीजिया को भी हराया था। रिकवरी शॉट के बाद क्या रिट्रीवल के बाद क्या कमाल की रिकवरी करते हैं लक्ष्य सेन, सही पोजीशन में लेकर आते हैं अपने आप को। जी हाँ, बहुत ही अजाइल है लक्ष्य सेन।
हर घाव को कुरेदा जाएगा, हर कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा दोनों छोर से। गोल्ड मेडल है दांव पर। एटीन ऑल। जहां पर बैठे हो सलाम करो इस युवा बैडमिंटन सितारे को। क्या रिट्रीवल था। जी हाँ, बहुत ही एक्रोबेटिक वे से खेल रहे थे लक्ष्य सेन। अब देख सकते हैं, सोचा नहीं था जी योंग ने कि इतनी बेहतरीन तरीके से वापस करेंगे शटल को। लक्ष्य सेन दाद देगी होगी यहाँ पे। बहुत ही इंटेंस चल रहा है मुकाबला। जवाबी कार्रवाई वहां से भी हुई। जी हाँ, कई बार होता है जब आप अच्छी रैली खेलते हो, जो फॉलोइंग रैली रहती है उसमें हल्का सा आप रिलैक्स हो जाते हो। अगर आप अलर्ट नहीं रहे, मूवमेंट में हल्का सा भी डिले हुआ, बहुत कॉस्टली हो सकता है, खास तौर पे इन क्रूशियल मोमेंट्स पे। 19-19 अक्सर ऐसे मुकाबलों में, गोल्ड मेडल मैच में 19-20 का फर्क रहता है। आज कौन 21 साबित होगा। बहुत ही उम्दा खेले वहां पे जी योंग। पोजीशन में नहीं थे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके का उनका जो क्विक हैंड मूवमेंट है, उसी के साथ में उन्होंने वो एंगल दिया और क्या एक्सप्लोसिव पावर जनरेट किया। जी बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि अटैक करके खेलो, एग्रेशन में खेलो, उसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार आप स्मैशेज ही मारो। हम बोलते हैं कि जिस तरीके से आपका हैंड मूवमेंट होगा, फास्टर मूवमेंट होगा, वो भी एक एग्रेशन है। गेम पॉइंट मलेशिया के नाम। लैंडिंग अंदर, जिसका मतलब ये कि पहला गेम एक नाटकीय रैली के बाद मलेशिया के जे योंग के नाम। नहीं देखे थे, बस आपने एकाग्रता को बनाए रखना जरूरी। गजब का डिफेंस, उस आतिशी तीर को ठंडा किया उस पिकअप के साथ जे योंग ने। फिर एक बार लीड में 3-2 के स्कोर से इस दूसरे गेम में। पहला गेम जीतने के बाद हौसले बुलंद इस मलेशियन खिलाड़ी के। बहुत कम अनफोर्स्ड एरर्स देखे हैं हमने जे योंग से। भारतीय फैंस स्वागत करेंगे। ऐसे अनफोर्स्ड एरर्स आते रहे। अब मुझे लगता है कि प्रेशर का जो पलड़ा है अब थोड़ा सा घूम चुका है, वो पहिया घूम चुका है। 5 पॉइंट के लिए मोमेंटम पूरी तरह से अब भारत के लक्ष्य सेन के पक्ष में। हल्का सा कॉन्फिडेंस गवा रहे हैं जी योंग। बहुत ही इरेटिक खेले पिछले कुछ पॉइंट्स।
16-9. मुकाबला अब जी योंग की पकड़ से छूट रहा है, 7 पॉइंट की लीड। थोड़ा जल्दी बोल गया, कोई बात नहीं क्योंकि लक्ष्य सेन भी थोड़ी सी जल्दी में नजर आ रहे हैं। अब पीवी सिंधु के साथ 7 गोल्ड मेडल के साथ तस्वीर जो खिंचवानी है। अठारह 9 गिनती शुरू कर दीजिए और आपके अगर 4:15-4:30 बजे की कोई प्लान्स है तो कैंसिल कर दीजिए। पूरी तरह से कंट्रोल खो चुके हैं जी योंग। पहले गेम में फासला सिर्फ 2 पॉइंट का था, 21-19 से हारे थे, लेकिन अब 11 गेम पॉइंट। ना सिर्फ गेम जीतने की कगार पर है लेकिन जिस अंदाज में ये खेले हैं तृप्ति, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अलग होगा। एक शिफ्ट लक्ष्य सेन ने दिखाया है, ज्यादा आक्रामकता दिखाई है, ज्यादा सफाई दिखाई है। और इसी के साथ दूसरा गेम लक्ष्य सेन के नाम। भारत का ये 20 वर्षीय नौजवान गोल्ड मेडल के उस सपने को साकार करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका। जेयोंग को देखकर लग रहा है वो नहीं चाहते रैलीज लंबी हो, शायद उस बात का फायदा उठाना चाहिए लक्ष्य सेन को। उनके अंदर जो फिजिकल एनर्जी के रिजर्व्स हैं, जी हाँ, लक्ष्य को अपने गेम स्टाइल से उनको खिलाना पड़ेगा, ना कि उनकी गेम स्टाइल से। जिस तरह से ये पिवट करते हैं रिकवरी करने के बाद, रिट्रीव करने के बाद, ये दमदार डिफेंस है। फिर एक बार 4 पॉइंट के लीड में, बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं लक्ष्य, बरकरार रखना होगा उनको, साथ ही में हर एक पॉइंट सोच के अपना समय लेके खेलना होगा। Oh, क्या जवाब था, क्या शॉट था। क्लेन अब रिव्यू कर रहे हैं लक्ष्य सेन। पता नहीं, मुझे हल्का सा कॉन्फिडेंस तो लग रहा है जिस तरीके से लक्ष्य खेल रहे हैं। यहाँ पे उनका थोड़ा ऑफ बैलेंस हुआ था बैक कोर्ट पे जब वो स्ट्रोक खेल रहे थे, रिकवर नहीं कर पाए उसके बाद में। दूसरे गेम से बहुत ही अच्छी लिफ्ट, जिस तरीके का उन्होंने लेंथ दिया था। ये वीडियो गेम चल रहा है, ये हकीकत नहीं है, ये वीडियो गेम चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम बैडमिंटन।
दो युवा बैडमिंटन सितारों की ओर से वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन इस गोल्ड मेडल मैच में कमाल की रैली, क्या गजब का डिफेंस दोनों छोर से। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये कंटेस्ट दोनों के बीच में, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे दोनों भी। लक्ष्य सेन 3 पॉइंट दूर गोल्ड मेडल से, दो पॉइंट, माफ कीजिएगा मैं जल्दी बोल गया, 19-14। इस साल 2022 में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन दुनिया के महारथियों को पछाड़ा है और आज पहला गेम हारने के बाद एक जादुई गियर इन्होंने लगाया है। चूक गए 19-15। ये कहानी, लक्ष्य फास्ट पेस पे खेल रहे हैं मनीष यहाँ पे, लेकिन उनको साथ ही में ये ध्यान रखना होगा, कंसिस्टेंसी भी बहुत मायने रखेगी। वर्ल्ड चैंपियन लॉकिन यू को भी हराया है इन्होंने आज इस साल 19-16। अगर आप इस मुकाबले को देख रहे हैं तो पानी का एक घूंट पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जी हाँ, और लक्ष्य को भी यहाँ पे अपना थोड़ा समय लेना होगा, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जी का जो वापस लय में आ रहे हैं उसको ब्रेक करना होगा। इनकी कोच विमल कुमार भी इस समय थोड़े से नर्वस होंगे, पूरा भारतवर्ष इस समय है इसी आस में। अगले 2 पॉइंट लक्ष्य के नाम हो। मैच पॉइंट 20-16, 4 मैच पॉइंट 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन सितारा लक्ष्य सेन अब खड़ा है इतिहास की कगार पर। इस पल को अपने मोबाइल फोन्स में कैद कर लीजिए। सितारा खड़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर, पहले स्थान पर लक्ष्य सेन आज एक और गोल्ड मेडल दिला चुका है भारत को, पहले पीवी सिंधु फिर लक्ष्य सेन। क्या कहे लक्ष्य सेन के जज्बे के बारे में, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इन्होंने इरादा दिखाया, तैयारी दिखाई, वापसी की भूख दिखाई, अपनी क्षमता दिखाई, अपना स्किल दिखाया और नए भारत की लड़ने की क्षमता, बड़े मंच पर नए भारत का आत्मविश्वास दिखाया। लक्ष्य सेन इस बड़ी जीत के बाद भारतीय बैडमिंटन में इनकी चमक दमक कुछ और। ये है विजेता मेंस सिंगल्स के गोल्ड मेडल के, क्या धमाकेदार कमबैक, क्या सनसनीखेज कमबैक,